हमने क्या क्या दिया, यानी 33% खाने से 33% केवल हमने प्रोसेस से ही फिसर सही कर लिया, अब बचता है 33%। 100% की कोई गारंटी नहीं होती ना मेडिकल में। बाकी हमारा आयुर्वेद कंटेनवर्टी देखो, ट्रीटमेंट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, हमें यही अच्छा लगता है, हमारे पेशेंसेस ठीक होते हैं, इसलिए हम लोग सब यही लिखते हैं। आपको कुछ और अच्छा लगे और कोई ब्रांड आपको पसंद आए बिल्कुल यूज़ करिएगा, लेकिन हम लोग क्लासिकल में ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं कंकानवटी। क्या पढ़िए कंकानवटी में बताओगे? हाँ देखो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मीटिंग लंबी खींच रही है, अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी तुम लोग पढ़ के आना, कंकानवटी देते हैं, गंधर्व रसायन भट्टी देते हैं, आरोग्यवर्धिनी देते हैं, ठीक ना। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो अश्वगंधा रस और भी जो आपको लगे ऐड कर सकते हैं, कोई ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाइलोचेक डाबर की, पाइलेक्स बहुत कॉमन ब्रांड्स है, सब बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। पतंजलि की भी बहुत बिकती है, तो जिसमें जिसमें आप इसके कंटेंट देख लीजिए, अगर आप कोई ब्रांड आपको पसंद आता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। आरोग्यवर्धिनी भट्टी, आरोग्यवर्धिनी भट्टी का भावना रस क्या है, अर्थसुधार रस का भावना, अर्थसुधार रस में क्या भावना द्रव्य है, गौमूत्र, सोच समझ के लिखिएगा। काम का दरस सूरी दस हम लोग देखते हैं दूसरे लोग सिर्फ पेट साफ करने की दवा मानते हैं, सिर्फ दांत में देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे सुबह 10 ml दे दिए, रात में उन्होंने 15 ml दे दिया, हम लोग 20-25 ml तक नहीं जाते, थोड़ी कम डोज रखते हैं, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम।